कलाम को पढ़ी तो ज़ुबानु खुशबूदे कला में पाकू पढ़े तो ज़ुबानु खुशबूदे सुनी जो तर्जुमा उसका बया क्या कहते वाह वाह सुने जो तर जो माऊ का बया नू खुशबूद खुदा ने ऐसा मुआतर किया है कुरान को वाह वाह के जिस मकाम में पढ़ो वो मकान नगर पालिका के ऊपरी गेट में यानी टंकी के पास लगाया जाता है खोए पाए बच्चों के लिए यहाँ पर उनके माँ बापों को पहुँचाने के लिए ये कमेटी अपना कैंप लगाती है और हर साल की तरह इस साल भी एक इशा के बाद नमाज इशा मुशायरे का एहतमाम किया गया है जिसमें मुकामी शोरा के अलावा बाहर के शोहरा भी तशरीफ ला रहे हैं मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि रात बाद नमाज ईशा मुशायरा गांव में पहुंचकर शायरों के कलाम को सुने और अब लुत्फ उठाएं अब तक जिन लोगों के नाम आ चुके हैं वह हैं डॉक्टर अशफाक जैदी साहब रामपुरी असलम बकाई साहब अमरोईवी बाकिर जैदी बरेलवी जुल्फकार आदिल रामपुरी और कारी हसनैन साहब दिल्ली शमसुल कमर साहब हसनपुरी और सुल्तान अजहर मुरादाबादी मोहतरमा खुशबुई रामपुरी और मोहतरमा जीनत आलमी मुरादाबादी और उमर बजरायू ने ये लोग अभी तक तशरीफ़ ला रहे हैं आप हजरात से गुजारिश है कि सही वक्त पर अपने पहुँच कर शायरों के कलाम को सुने और लुत्फ उठाएँ और शहर नेज़ा तहफ़्फ़ुज़ कमेटी को शुक्रिया का मौका दें हेलो हेलो एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल है नाम उसका ज़ैबा है उसके वालिद का नाम नाजिम है रुकनुद्दीन सराय की रहने वाली है गुलाबी रंग का जंपर और फिरोजी रंग की शलवार पहने हुए है मेले में कहीं गुम हो गई है अगर किसी साहिबान को मिले वो बराए मेहरबानी शहर नेज़ा तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के कैंप पर पहुंचाने की ज़हमत करें शहर नेज़ा तहफ़्फ़ुज़ कमेटी का कैंप टंकी के पास लगा हुआ है एक बच्ची जिसका नाम ज़ैबा है इसके वालिद का नाम नाजिम है उम्र इसकी तकरीबन 4 साल है रुकनुद्दीन सराय की रहने वाली है गुलाबी रंग का जंपर और फिरोजी रंग की शलवार पहने हुए है मेले में कहीं गुम हो गई है अगर किसी साहिबान को मिले तो वो बराए मेहरबानी शहर नेज़ा तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के कैंप पर पहुंचाने की ज़हमत करें शहर नेज़ा तहफ़्फ़ुज़ कमेटी का कैंप टंकी के पास लगा हुआ है शहर नेज़ा तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के कैंप में
जनाब चेयरमैन पति हाजी शकील साहब तशरीफ ला चुके हैं। शहर नज़र तहफ़्फ़ुज़ कमेटी उनका तहे दिल से खैर मकदम करती है। हमारे बीच जनाब हाजी शकील साहब चेयरमैन नगर पालिका परिषद संभल तशरीफ ला चुके हैं, जो शहर नज़र तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के कैंप में जलवा फरोज हैं। हाँ इधर आ जाओ। हाँ भाई ठीक ठीक ठीक। और कुछ ही क्षण में ये परंपरागत रस्म जो चली आ रही है पगड़ी की, शहर नज़ा तहफ़्फ़ुज़ कमेटी द्वारा जनाब हाजी शकील साहब के दस्तारबंदी की जाएगी। मैं जनाब शहर नज़ा तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सचिव तसदीक इलाही साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब हाजी शकील साहब चेयरमैन नगर पालिका परिषद संभल के पगड़ी बांधे और ये पगड़ी की परंपरागत रस्म अदा होती हुई जनाब हाजी शकील साहब के पगड़ी बांध रहे हैं शहर नज़र तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सचिव जनाब तसदीक इलाही साहब, रफीक राय साहब, शमशाद हुसैन राजा साहब, नवाब साद आदिल साहब और तमाम मेंबरान। जनाब हकीम बुरान साहब के पगड़ी बांधते हुए मेंबर तसदीक लाई साहब, हाँ इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ये पगड़ियों का सिलसिला चलता हुआ एक के बाद एक तमाम मेहमानों के दस्तारबंदी होती हुई शहर नज़र तहफ़्फ़ुज़ कमेटी मेला कैंप में आए तमाम पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल करती है। हमारे बीच अब तक के जनाब नवाब साद आदिल साहब के पगड़ी बांधते हुए शहर नज़र तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सचिव तसदीक लाई साहब, हमारे बीच पत्रकार बंधुओं में शाह टाइम से मुजफ्फर हुसैन, विधान केसरी से जनाब आसिम नकवी साहब, संभल की आवाज़ से अजीम अब्बासी साहब और पंजाब केसरी से कुशारे जी, मोहम्मद अब्बास साहब, सैयद दानिश हुसैन साहब और हमारे इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल लखनऊ से तशरीफ़ लाए सभी हमारे पत्रकार बंधु और साथी, जनाब शमशाद हुसैन राजा साहब मेंबर म्यूनिसिपल बोर्ड संभल के पगड़ी बांधते हुए जनाब शहर नज़र तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सचिव तसदीक इलाही साहब, बस कितनी है कितनी लगाओ हाथ लगा दो। हाँ चेयरमैन और जनाब पत्रकार गुफरान साहब भी तशरीफ रखते हैं। देखिए कुछ लोग रखना डालना चाहते हैं इसमें, हमने उनको दूर कर दिया और हमने
हमेशा के लिए तस्दीक इलाही साहब को जो है चुन लिया गया है नगर पालिका की तरफ से, क्योंकि ये 25 या 27 साल से मेला कमेटी को चलाते हैं, 42 साल से, सॉरी भाई हम तो 29 साल से देख रहे हैं आपको, बस आइए आइए, 42 साल से ये कमेटी को चला रहे हैं और हम इनके शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमें कभी, जब हमारी बीवी चेयरमैन नहीं थी और हम चेयरमैन नहीं थे, जब भी इन्होंने हमें इज्जत से नवाजा और हमेशा हमारे पगड़ी बांधते रहे। फख्र की बात है कि आज खुदा का शुक्र है कि आज हम चेयरमैन फैक्ट्री की हैसियत से, समाज सेवी की हैसियत से यहाँ पे खड़े हैं आज, और हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर मेले को मनाएं, कोई भी इसमें जो है विरोध ना करे, और अगर विरोध करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, मेंबर शकील एक अपने आप में शमशीर की तरह हैं, जब जिसका साथ रहता साथ रहता है, और कोई हमारी मुखालफत करता है तो हम उसको जवाब देते मुंह तोड़, उसको हम बख्शेंगे नहीं। जो हमारे भी दरार डालने की कोशिश करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे शहर के अंदर अमन अमान रहे। जो हमारे सेकुलर हिंदू समाज के लोग हैं वो भी हमारे यहाँ पे नेजे को मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही लोग मिलकर इसको मेले को मनाते हैं। ये एक का मेला नहीं दोस्तों, ये सभी का संभल का मेला है। बड़ी धूमधाम से आया मेला शहर संभल का, सब दिन टल जाए मगर नहीं टलता दिन मंगल का। अस्सलाम वालेकुम आदाब। ये थे जनाब मेंबर शकील साहब, और एक और मेहमान हमारे बीच जनाब चेयरमैन आरिफा शकील साहब के साहबजादे हसनैन शकील साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनके जनाब तस्दीक इलाही साहब शहर नेज़ा तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सचिव दस्तारबंदी करते हुए ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। ये लोग खिदमत को अंजाम देते हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और ये सैयद सलार रहमतुल्लाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का ये नेज़ा मनाया जाता है, और आज खुशी का जश्न मनाया जाता है, अलम गाड़े जाते हैं शहर के अंदर 3 दिन पहले। दोस्तों, ये सारी ही कौमें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल कर इसको मनाते हैं, और हम शहर के अंदर अमन अमान कायम करते हैं इसको जश्न मनाकर। दोस्तों, इंशाल्लाह ये हर साल मनता रहेगा, और मैं जानता हूँ कि एक एक में एक वह शेर है इसके ऊपर के बड़ी धूमधाम से आया मेला शहर संभल का, हर दिन टल जाए मगर नहीं टलता दिन मंगल का। दोस्तों, ये दिन मंगल की यादगार, ये हमेशा के लिए रहती दुनिया तक कायम रहेगी इंशाल्लाह। देखिए, हम जानते हैं कि ये हमारे तस्दीक इलाही जो हैं ये बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्क़त से इस मेले को कंट्रोल करते हैं, जो बच्चे खो जाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं ये, और उनको उनके माँ बापों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक शेर कहना चाहता हूँ, उछल कर वो नहीं चलते जो माहिर है किसी फन के, कायदा है छलक जाता है पानी ओछे बर्तन में। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है, इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है, दिलों में बुग्ज रखते हैं बजाई दोस्ताना है। भाइयों, हम एक ही अपील करना चाहते हैं कि हमारा संभल संभल कर रहे, बिल्कुल सुख शांति से रहे, यही हमारी उपलब्धियां हैं और यही हमारा मिजन है, यही हमारी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम आदाब।
शुक्रिया जनाब शकील साहब। जैसा आपने बताया, आज मेरे बीच में आप एक चेयरमैन पति की हैसियत से हैं, लेकिन आप शायद भूल गए कि इससे पहले सन 88 से लेकर 89-91 तक आप इस कैंप के अंदर आते रहे हैं। जब आप उस वक्त भी आए थे जब आपकी ये शादी नहीं हुई थी, आप दूल्हा बने थे और हम उस शादी में शरीक हुए थे, शायद आप ये भूल गए। और आप उस वक्त से यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, बीच में आप नहीं आए, आज चेयरमैन पति की हैसियत से हमारे बीच में हैं। बहरहाल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से आपने मतलब ये कि इस कमेटी को नवाजा है। मैं इंशाल्लाह आपकी उम्र दराज रहे और इसी तरह से आपको कामयाबी मिलती रहे और आप हमारी इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहें। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम। जेवा नाम है उसका, ये बच्ची अभी नेजे में खो गई है। ये जिक्र वो है जमीन सुमा नू खुशबू दे, क्या कहें, गुमान में वो नहीं तो कुछ नहीं। छोटा जेब में से गिर गया एक साहब की मोबाइल में वो नहीं तो गुमान कुछ भी नहीं, मोबाइल किसी को आसपास नहीं, गुमान में हो जो खालिक गुमानु खुशबू दे, गुमान में हो जो खालिक गुमानु खुशबू दे। और खुदाए वाही दो यक्ता की वह दते उजुमा, वाह वाह खुदाए वाही दो यक्ता की वह दते उजुमा, हो जिस जुबान में वो भी जुबान खुशबू दे, हो जिस जुबान में वो भी जुबान खुशबू दे। और आखिरी शेर पेश कर, बुलंद जब हो फजाओ में ना रहे तकबीर, बुलंद जब हो फजाओ में रहे तकबीर, जमी पे फूल खिले आसुमानु खुशबू दे,
जमी पे बोलो खिले सुमानु खुशबू दे। और मक्तम मुलाजा करने खुदाए वाही दो सुखी रहमत से। वाह वाह वाह। खुदा वाही दो कुदु सुखी रहमत से। शहर से शाम मुजम्मिल अजानु खुशबू। वाह वाह वाह।